हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। और कल आपको याद होगा, बैंकिंग की वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए IBPS PO और IBPS क्लर्क दोनों रिक्तियां आ चुकी हैं। इन दोनों रिक्तियों को मद्देनज़र रखते हुए आज की क्लास में आप सबों का स्वागत कर रहे हैं। और टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी जो कल की क्लास किए थे, एक क्वेश्चन और उसमें करा रहे हैं और फिर इसका एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे कल की क्लास में। तो प्रश्न है छात्रगण, एज इट इज आपके पास में, देख लीजिए। P:Q, कल का ही फॉर्मेट है, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं, एक क्वेश्चन केवल बस यूं ही प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। P:Q, क्यू से पी छोटा नहीं है। डॉलर कहता है कि, अब देखिए जरा सा पलटा है, क्यू से पी छोटा नहीं है, क्यू जो है वो पी से छोटा नहीं है, अर्थात क्यू जो होगा वो पी से चाहे बड़ा होगा या बराबर होगा, यही रिलेशन निकलेगा ना डॉलर का। स्टार कहता है क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी निश्चित हो गया कि पी छोटा, पी जो है क्यू से छोटा होगा, यानी क्यू जो है वो पी से क्या होगा, बड़ा होगा। एट द रेट ऑफ कहता है क्यू से पी बड़ा नहीं है, क्यू से पी क्या है, बड़ा नहीं है। हैच कहता है क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, यानी बराबर होगा। परसेंटेज कहता है क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, ना तो बड़ा है और ना ही समान है, तो छोटा होगा। छात्र, मैंने आपको कल के ही क्लास में कहा था कि प्रश्न में आपका जो अल्फाबेट होता है वो गायब हो जाते हैं और सिर्फ जो सिंबल हैं वही सिंबल इसमें प्रयोग किया जाता है, उसी सिंबल की यहाँ पे बातें करेंगे। स्टेटमेंट कहता है M:T, हम आपको पहले ही बताए थे कि जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसकी आप ट्रांसलेशन बना लीजिए, जो भी कुछ कहता है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल जो आपको सिंबल पढ़ाए थे वो दोनों सिंबल का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा हो जाए। M:T, स्टार क्या कहता है, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से पी, देखिए एम से टी नहीं दे रहा है, टी से एम दे रहा है, तो कह रहा है क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी क्यू से पी जो है ना तो छोटा है और ना ही समान है। तो पी क्या है, 100% क्या है, ना तो छोटा और ना ही समान है, यानी कि बड़ा है। तो रिलेशन निकला कि एम बड़ा है टी से, पहला रिलेशन से। डॉलर कहता है क्यू से पी छोटा नहीं है, यानी जब क्यू से पी जो है वो छोटा नहीं है तो पी क्या होगा, चाहे बड़ा या बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर टी बड़ा या बराबर होगा के का, समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से। और हैज कहता है क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। तो क्यू से पी ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो ये हो क्या सकता है, बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर डी। कहानी क्लियर है ना, फिर एक बार मिला लीजिए। पहला रिलेशन क्या कर रहा था, स्टार, स्टार देख लीजिए कह रहा है क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, क्यू से पी जो है ना तो छोटा है ना ही समान है, नहीं डेफिनेटली ये बड़ा होगा, सारा रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो थोड़ा सा देखिए, ये सब जो लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, ये सब लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा एग्जामिनेशन लेवल पर, क्योंकि अगर थोड़े से अच्छे से आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ा तो आपको पूरा क्वेश्चन चौपट हो जाएगा। अभी मज़े की बात क्या होगी कि जब एडवांस लेवल पर चलेंगे तो ये स्टेटमेंट भी गायब हो जाएगा, सिर्फ आपको ये दिया हुआ रहेगा और रिलेशन निकालना होगा। आसान नहीं होता, वो भी थोड़ा टफ होता है, लेकिन हाँ तो ठीक हो जाता है। फिर चलिए आगे चलते हैं। पहला रिलेशन कह रहा है, कंक्लूजन नंबर वन कह रहा है डी परसेंटेज एम, परसेंटेज का निकाल लीजिए यहाँ पर, क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, क्यू से पी जो है ना तो बड़ा है और ना तो समान है, यानी कि पी क्या है, क्यू से छोटा है, तो यानी कि डी जो है वो छोटा है एम से, यही ना निकल रहा है। इसको देखिए परसेंटेज, क्यू से पी ना तो बड़ा है ना ही समान है, मतलब पी जो है वो क्यू से जो पी है वो ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, समान है, यानी है कौन चीज़, छोटा है। तो डी छोटा है एम से, कहाँ से कहाँ चलेंगे, डी से लेकर के एम तक चलेंगे, हम एम से डी चलेंगे और फिर इसको पलट देंगे। देखिए कौन कौन रिश्ता मिलता है, पहला सिंबल मिला ग्रेटर दैन, फिर मिला ग्रेटर दैन प्लस इक्वल टू, दोनों का रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर दैन, खत्म हो गया। फिर इसके साथ ये वाला जोड़ना है तो इतना बराबर इतना, रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर दैन का, ठीक है ना। रिजल्ट क्या मेरा निकला, डी बड़ा है एम से, हमको नहीं सॉरी एम से चले थे ना, हाँ ये निकला, यहाँ से चले हैं एम से डी चले हैं, हमारा रिजल्ट निकला एम बड़ा है डी से। इसको रिवर्स कीजिए, क्योंकि डी से एम रिलेशन पूछ रहा है, तो डी छोटा है एम से, तो निकल गया, यानी कि पहला रिलेशन एकदम कंफर्म सही है, कहीं कोई डाउट नहीं है, क्या कोई दिक्कत,
कल से पढ़ा रहे हैं एकदम, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से आप सीख गए होंगे। सेकंड लीजिए, एम स्टार के, कहाँ से कहाँ चलना है, एम से के चलना है, तुरंत मिल जाएगा। स्टार क्या कह रहा था, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, यानी पी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू बड़ा है, एम बड़ा है के से। आप देख लेते हैं से के चलते हैं, तो देख लीजिए ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन का रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर देन यानी एम बड़ा हो गया के से, तो रिजल्ट दो भी निकल गया मेरा। अर्थात यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन नंबर एक और कंक्लूजन नंबर दो दोनों पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है, कहीं जरा सा भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि कल की ही क्लास में ये सारे चीज डील किए गए थे, तो उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, एट द रेट ऑफ है, हैच है और स्टार है। सबसे पहले एज इट इज अपना काम करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ जे पे शुरू हुआ है, जे से खत्म नहीं हुआ, तोड़ा हुआ है, तो कॉमा देके ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ क्या कह रहा है, क्यू से पी बड़ा नहीं है। क्यू से पी जो है वो क्यू से जो है वो बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा और बराबर होने की संभावना हो गई, यानी कि छोटा और बड़ा। कहता है कि क्यू से पी जो है वो बड़ा नहीं है, तो कौन सी होगा, चाहे बड़ा जब तुम नहीं हो तो छोटा और बराबर होगा, यानी कि आर जो है आर छोटा और बराबर हो गया। जे का कॉमा लगा लीजिए, चूंकि जे से शुरू नहीं हो रहा है। एम हैच जे, हैच क्या बोलता है, क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना तो बड़ा है ना तो, यानी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि एम बराबर जे हो गया। ठीक है ना, फिर कॉमा लगाइए। स्टार क्या कहता है, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से जो पी है वो ना तो छोटा है और ना ही क्या है, समान है, यानी कि निश्चित रूप से बड़ा होगा, तो डी बड़ा हो गया आपका एम से। ये ट्रांसलेशन बनाए, आप सबको मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ से मर्ज करेंगे तो आर ये हो गया जे, जे इधर लाएंगे तो जे बराबर एम होगा, और डी बड़ा है एम से तो एम छोटा हो जाएगा डी से, जब इसको मर्ज करिएगा स्टेटमेंट को। तो ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता ना ये सब ट्रांसलेट करने में। और देखिए जब तक घर में प्रैक्टिस नहीं करिएगा ये सब आपको दिक्कत करेगा, हम आपको कई बार बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें ध्यान रखा कीजिए। चलिए कंक्लूजन नंबर वन के पास चलते हैं। पहली कंक्लूजन है मेरा डी स्टार जे, स्टार हमारा क्या बोल रहा है, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से पी ना तो छोटा है ना ही समान है, यानी कि बड़ा है, यानी कि डी बड़ा है जे से। अब हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, डी से जे चलेंगे। देखिए दो ही सिंबल आपको मिल रहा है, हम जे से डी चलेंगे फिर ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। यहाँ इक्वल टू प्लस लेस देन, इसका रिजल्ट क्या आता है, लेस देन। तो रिजल्ट आपका क्या निकला कि जे छोटा है डी से, अगर इसको पलटेंगे तो क्या होगा, डी बड़ा नहीं होगा जे से, तो पहला तो निकल ही गया मेरा। सो कंक्लूजन वन इज 100% राइट, क्या कहना है। चलिए दूसरे कंक्लूजन के पास चलते हैं, आर हैच एम, हैच क्या कह रहा है, क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है। तो क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, छोटा है, यानी है कौन सी, बराबर है। तो हम लोग रिजल्ट निकाले आर बराबर एम। चलिए देखते हैं आर बराबर एम होगा, आर से जब हम एम की ओर चलेंगे तो आपको मालूम है लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू का रिजल्ट आता है लेस देन इक्वल टू, अर्थात ये गलत हो गया, ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, अर्थात ये टू नंबर नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज कंक्लूजन नंबर वन, ठीक है ना। चलिए नंबर तीन पे चलते हैं, फिर ट्रांसलेशन करते हैं। टी टी एन से है, एच से एक गल बढ़ाया है। परसेंटेज क्या बोल रहा है, परसेंटेज क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, यानी क्यू से पी जो है ना तो ये बड़ा है और ना ही समान, यानी कि छोटा है, यानी हो गया जेड छोटा है टी से। अब देखिए यहाँ कॉमा लगाइए चूंकि टूटा हुआ है। स्टार क्या बोल रहा है, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से पी जो है वो ना तो छोटा है और ना ही समान, यानी है कौन चीज, बड़ा है, यानी टी बड़ा है एन से, तो टी बड़ा हो गया एन से। कॉमा लगाइए, डॉलर पे चले जाइए, डॉलर यहाँ दिया, क्यू से पी छोटा नहीं है, यानी कि बड़ा या बराबर होगा, यानी कि एच बड़ा और बराबर है एन का। अब इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, जेड छोटा है टी से, टी बड़ा हो गया एन से, और एन जो हो गया लेस देन इक्वल टू एच हो गया। जब इसको मर्ज करेंगे तब हो जाएगा ना, एच के साथ एन का रिलेशन दिया, इसको पलट दीजिए तो एन के साथ एच का रिलेशनशिप निकल गया। अब आपका आ गया नंबर वन, कंक्लूजन नंबर कहता है एच स्टार जेड, एच स्टार जेड, इसका रिलेशन क्या है एच स्टार जेड का, स्टार देख लीजिए, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है। क्यू से पी जो है ना तो छोटा है और ना ही समान, यानी क्या है, ये बड़ा है, यानी कि इसका रिजल्ट आ रहा है एच बड़ा है जेड का। चलिए एच से जेड चलेंगे,
एच से जेड चलेंगे, हम जेड से एच चलेंगे, फिर पर देख लीजिए दोनों का मुंह देख लीजिए, इसका मुंह देख लीजिए और इसका मुंह देख लीजिए, कभी कोई कंक्लूजन पॉसिबल होगा? नहीं होगा, पहला खत्म हो गया। दूसरा रिलेशनशिप में चलते हैं, टी स्टार एच, यानी कि टी स्टार एच का रिजल्ट क्या निकलेगा, टी बड़ा है एच से, कहाँ से कहाँ चलेंगे, टी से एच चलेंगे। चलिए टी से एच चल लीजिए, इन दोनों का मुंह देखिए और इसका मुंह देखिए, दोनों मुंह देख लीजिए, यानी ये भी कहानी खत्म हो गया। तो छात्रगण, कल की क्लास में जो मैंने जो वो पांचों रिलेशनशिप, पांचों जो सिंबल थे, उन पांचों सिंबल का जो रिलेशनशिप आपके सामने मैंने बताने का जो कल प्रयास किया था, दैट वॉज द अमेजिंग रूल आई कैन से। और उस उन रूल्स को याद करके, उस रूल को अच्छी तरह से आप बारीकी से याद करके आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से आत्मसात कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और जब भी आपकी जो ये कहानियाँ होंगी जो इसके साथ हमारी चलती हैं, उसको आप पूरा करने का प्रयास करेंगे छात्रगण, है ना। चलिए इसी पर दो क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हैंडी हो जाए, है ना। फिर और दो ठो क्वेश्चन करवा देते हैं इसके साथ में, ताकि पांच क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन चल जाएगा कल की क्लास में, और थोड़े से इसमें भास्प लेवल पर चलेंगे तो और अच्छा से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका पांचवा क्वेश्चन ले लेते हैं छात्रगण, बुक से ले लेते हैं। कथन कहता है, कथन यानी कि जिसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट कह रहा है एफ डॉलर एम, उसके बाद है आपका एन एट द रेट ऑफ एम, और उसके बाद है एन परसेंटेज डब्ल्यू। इससे बोलता है कि जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, कंक्लूजन नंबर वन, एफ हैच एन, और कंक्लूजन नंबर दो निकल करके आ रहा है N% F। अब इसको चेक कर लेते हैं दोनों निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए ट्रांसलेशन बनाइए। डॉलर क्या बोल रहा है, क्यू से पी छोटा नहीं है, क्यू से पी जो है वो छोटा नहीं है, यानी कि पी बड़ा या बराबर हो सकता है। तो रिजल्ट निकला F बड़ा या बराबर होगा M का, कॉमा लगा लेंगे चूंकि N से रिलेशन दिया हुआ है। एट द रेट ऑफ बोल रहा है Q से P बड़ा नहीं है, तो Q से P जो है वो बड़ा नहीं है, तो छोटा और बराबर होगा। तो ये रिजल्ट निकला N छोटा और बराबर हो गया आपका किसका, M का हो गया। कॉमा लगाइए, परसेंटेज पे आइए, Q से P ना तो बड़ा है और ना ही समान है, Q से P जो है वो ना तो बड़ा है और ना ही समान है, तो है कौन चीज, छोटा है, यानी कि रिजल्ट निकल गया N छोटा है W से। क्लियर हो गया। अब चलिए सबको मर्ज कर लेते हैं रिलेशनशिप को, इसको जब मर्ज करेंगे तो M हो जाएगा, ये यहाँ पे N लेस देन इक्वल टू है, अब M हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू N हो जाएगा, और N इज लेस देन W हो गया। क्लियर ना, कैसे सब ये सब हो रहा है। कल की क्लास से हम वक्त आ रहे हैं, इसलिए कोई नया चीज़ हम यहाँ संजय सर नहीं पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको जरा सा भी इसमें कठिनाई का सामना करना पड़े छात्रगण। तो अच्छी तरह से समझ करके पढ़िएगा, हम बार बार क्वेश्चन कराते हैं बच्चों को। कई बच्चे जो सीख जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर मैं सीख गया हूँ, लेकिन वैसे बच्चे जो इसको पूरी तरह से नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि वो पूरी तरह से इसको सीख करके ओके करेंगे इसको, है ना। चलिए अब यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया है, चलिए अब क्वेश्चन कंक्लूजन लेते हैं। नंबर पहला क्या है मेरा, एफ हैच एन, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। हैच क्या रिलेशन निकालता है, क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, ना बड़ा है यानी बराबर है, यानी कि एफ बराबर एन। देखते हैं एफ से हम जब एन की ओर चलते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, बड़ा बराबर का रिजल्ट आता है, बड़ा और बराबर, यानी कि पॉसिबिलिटीज का केस चला गया, रिजल्ट निकल रहा है एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी कि एक पॉसिबिलिटीज तो यहां बन रहा है कि ये बराबर हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कहता है एन परसेंटेज एफ, परसेंटेज कहता है क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही समान है, तो है कौन चीज, छोटा है, यानी कि रिजल्ट निकल रहा है एन छोटा है एफ से। आप देख लेते हैं एन और एफ के बीच में बात करते हैं, एन और एफ के बीच बात करते हैं, हम एफ से एन बात करेंगे। तो ये हो गया क्या, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू का रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मेरा रिजल्ट निकला एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर क्या निकलेगा, एन इज लेस देन इक्वल टू एफ,
देखिए n लेस देन इक्वल टू f, यहां पे इक्वल आ रहा है यहां पर लेस देन आ रहा है, अर्थात ये निर्माण क्या कर देगा इधर का। कल की क्लास में ही आपको पढ़ाते हम आ रहे हैं कि जहां आपको ग्रेटर देन और लेस देन, एक में लिखे इक्वल टू दूसरा में लिखे ग्रेटर देन या स्मॉल देन, तो वो आपका इधर पेयर निकालता है। वो कल के क्लास से ही हम बखते आ रहे हैं आपका, जहां कोई रिलेशन में आप देखिए कि पहला रिलेशन इक्वल टू का है और दूसरा नीचे वाला रिलेशन मेरा जो है वो मेरा कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का है, तो आप समझ जाइए कि दोनों समीकरण जो है मेरा इधर पेयर का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर लेकर के चलते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि एक पूरी क्वेश्चन हमारे बीच में कंप्लीट हो जाएगा। बातें होंगी चर्चाएं करेंगे छतगिन, और उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह से टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज पे आपकी कमांड भी हासिल हो जाएगी और बहुत ही मनोयोग से आप बैंकिंग की परीक्षाओं में कमाल कर जाएंगे, है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज लेकर के आ रहे हैं। एक कथन है मेरे पास जिसको हम लोग स्टेटमेंट कहते आए हैं, हिंदी के बच्चों के लिए एक बार लिख देते हैं कथन। बी बी हैच जे कॉमा दे करके जे एट द रेट ऑफ डी, जे एट द रेट ऑफ डी और एफ डॉलर डी, एफ डॉलर डी। कंक्लूजन नंबर वन कहता है बी हैच एफ, बी हैच एफ और कंक्लूजन नंबर दो कहता है एफ स्टार बी, एफ स्टार बी। हमें अब इसका कंक्लूजन निकाल लेना है, क्या इसका रिजल्ट निकल आ रहा है। चलिए हैच निकालिए फटाक से, ये कंक्लूजन है आपका, निष्कर्ष जिसको हिंदी में कहते हैं, निष्कर्ष निकल गया हैच। चले आइए क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा है, यानी है क्या बराबर, यानी पहला से रिजल्ट निकला बी बराबर जे, कॉमा नहीं लगाएंगे चूंकि जे ही से शुरू हुआ है। एट द रेट क्यू से पी बड़ा नहीं है, यानी पी जो है वो क्यू से बड़ा नहीं है, यानी चाहे छोटा या बराबर होगा, यानी कि जे छोटा या बराबर है डी का। अब एफ डॉलर डी है, डॉलर क्या बोलता है, क्यू से पी छोटा नहीं है, यानी एफ जो है वो डी से छोटा नहीं है, D जो है वो F से छोटा नहीं है, तो कौन सी होगा, चाहे बड़ा या बराबर होगा, Q से P जो है, P जो है वो छोटा नहीं है, यानी P से होगा क्या, चाहे बड़ा या बराबर होगा, यानी कि F जो है वो आपका, F जो है बड़ा या बराबर हो गया D का। अब इसको मर्ज कर दीजिए तो B बराबर J लेस देन इक्वल टू D लेस देन इक्वल टू आपका हो गया F। ये रिजल्ट निकल कर आया मर्ज जब किए तो। चलिए निष्कर्ष नंबर वन, बी हैच एफ, हैच क्या बोल रहा है, ये क्यू से पी ना तो बड़ा है और ना ही छोटा, यानी है कौन सी बराबर है, यानी कि बी बराबर एफ। चलिए बी से एफ चलते हैं, इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा लेस देन इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा लेस देन इक्वल टू, रिजल्ट निकला लेस देन इक्वल टू, रिजल्ट तो ये निकला लेस देन इक्वल टू, यानी कि बी जो है लेस देन यानी इक्वल टू आया है, इधर पेयर चेक कर लेंगे, रहने दीजिए इसको। सेकेंड नंबर ले लेते हैं एफ स्टार बी का, एफ स्टार बी, स्टार क्या बोलता है, क्यू से पी ना तो छोटा है और ना ही समान है, क्यू से पी जो है ना तो छोटा है और ना ही समान है, तो है कौन सी भाई, बड़ा होगा, यानी कि एफ बड़ा है बी से। देख लीजिए हम एफ से बी का रिलेशन हम निकाल चुके हैं, बी से एफ का रिलेशन मेरा निकला है कि बी जो है वो छोटा और बराबर है एफ का। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या निकलेगा, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यही ना निकला। तो देखिए एक में रिलेशन इक्वल टू, एक में रिलेशन ग्रेटर देन का, अर्थात ये तय हुआ कि दोनों जो है मेरा इधर पेयर का निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इधर पेयर वाला में जरा भी गलती नहीं करिएगा, सिंबल अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। देख लीजिए एक में आपका इक्वल टू निकलता है और एक में आपका ग्रेटर देन इक्वल टू निकल रहा है, तो ये एक तो ग्रेटर देन भी हो गया और इक्वल टू भी हो गया, अर्थात निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि एफ और बी के बीच में रियल रिलेशन क्या होगा। पहला रिलेशन कह रहा है कि एफ बराबर है बी का, ये दिखा रहा है, दूसरा रिलेशन कहता है कि एफ बड़ा और बराबर दोनों है बी का, तो ये बराबर दिखा रहा है, ये बड़ा दिखा रहा है, ऐसे रिलेशनशिप इधर पेयर का निर्माण करते हैं। हम उम्मीद करते हैं छात्रगण कि आपने बहुत ही मनोयोग से और बहुत ही अच्छे से टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटीज का बेसिक पड़ाव कंप्लीट किया होगा। कल की क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो इसके एडवांस पड़ाव पर आपको लेकर के चलेंगे। तो IBPS की तैयारी करते रहिए और बैंकिंग की परीक्षाओं में सफल होइए, इसी की मंगल कामना करते हुए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय।